soy ओके सो हेलो नो वेलकम बैक एरो नाउ द ब्यूटीफुल वंडरफुल सर वीडियो ये वीडियो है अपने मॉक टेस्ट अनाउंसमेंट के लिए हमारे जो मॉक टेस्ट होते हैं जो मॉक टेस्ट हम लोग कंडक्ट करते हैं उसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहते हैं उसके बाद जाके आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वहाँ से जाके आप रजिस्टर कर सकते हो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइजेस में हम लोगों ने मॉक टेस्ट रखा है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं जवाब दे देता दे तो, हूँ जो कि आपके दिल और दिमाग में बहुत टाइम से है मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग कहाँ से करें क्या करें एंड ऑल्सो क्या रिक्वायरमेंट है कि नहीं वो सारा चीज़ देखो एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ अगर आपने दो तीन बार एग्जामिनेशन दे रखा है ठीक है और आपने कभी भी हमारा मॉक टेस्ट जो है वो आपने कभी भी नहीं लिया है अगर लिया है तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं सीधा डिस्क्रिप्शन में आप जाके रजिस्टर करवा लोगे ये मेरे को पता है लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको एक चीज़ बता देता हूँ मैं देखो जब आप एग्जामिनेशन के लिए जाओगे ना लिखने के लिए तब आपका पेन नहीं चलने वाला तब जो है आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं होने वाला आपके क्वेश्चंस छूट जाएंगे आप क्वेश्चंस बना नहीं पाओगे आराम से ठीक है आप जो है आपको लगेगा कि यार टाइम इतना कम क्यों है इतना सारा क्वेश्चंस है क्योंकि आपने कभी भी प्रीवियसली जो है प्रैक्टिस ही नहीं किया है अबाउट द एंटायर जो क्वेश्चन पेपर जो होता है ना वो तो इसके लिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तब मॉक टेस्ट ना दे अगर आप जा रहे हो एग्जामिनेशन देने तो एक टेररिस्ट वाला हरकत हो चुका है क्योंकि आप जा रहे हो ऐसे टेरिटरी में जो आप सोच रहे हो कि यार मैं तो बहुत अच्छी तरीके से कर लूँगा लेकिन आपके आपको जो मतलब नुकसान उठाना पड़ेगा ना वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाएगा आपके ऊपर और ये जो लास्ट टर्म है फॉर ओल्ड सिलेबस उनको मैं बता दूँ इस बार कम से कम कुछ भी चूक ना रखो मॉक टेस्ट जरूर दे के जाना है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक दो फीचर मैं हम हमारे मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग बता देता हूँ आप सबके साथ देखो पहली बात तो ये कि मॉक टेस्ट जो होगा पेपर जो होगा वो एस पर आई स्टैंडर्ड होगा ठीक है दूसरा अच्छा एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ प्रीवियस टर्म के पेपर्स अगर आपने प्रैक्टिस कर रखा है अच्छी बात है अगर नहीं कर रखा है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं इस बार जो हम लोग पेपर सेट करेंगे ना और आपको पता होगा कि मॉक टेस्ट हम लोग एक बार नहीं लेते दो बार लेते हैं तो दोनों में से एक बार का पेपर ऐसा होगा जो प्रीवियस टर्म के पेपर्स को भी कवर किया जाएगा सो दैट आपके इस टर्म में अगर प्रीवियस टर्म के पेपर्स कुछ भी क्वेश्चन पुट हो रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है तो वो आपका रिविजन हो जाएगा तो हम लोग एक बार मॉक टेस्ट नहीं लेंगे दो बार ठीक है तो दो बार से एक बार में तो आपका प्रीवियस टर्म के पेपर्स के क्वेश्चन भी हम लोग डालने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है तो आपको प्रीवियस टर्म के पेपर्स अलग से प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है जो कि हर टीचर रिकमेंड करता है कि पिछले तीन से चार टर्म का पेपर प्रैक्टिस करना चाहिए अगर आपने कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं कर रखा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं आपके मॉक टेस्ट सीरीज में हो जाएगा क्योंकि हम लोग एक बार नहीं दो दो बार मॉक टेस्ट लेंगे क्योंकि एक बार जब मॉक टेस्ट तुम दोगे ना कहीं पर भी तुम एक बार मॉक टेस्ट दे रहे हो तुमको लगे यार तुम्हारा मिस्टेक तुमको पता चल रहा है लेकिन रेक्टिफाई करने का कोई टाइम नहीं देगा क्योंकि एक बार मॉक टेस्ट देके सीधा एग्जामिनेशन में तो एग्जामिनेशन में अगर तुम सोच रहे हो कि वहीं पे मैं रेक्टिफाई करके अच्छे से लिखूँगा या फिर लिखूँगी तो वो हो नहीं सकता इसलिए हम लोग एक बार टेस्ट लेंगे आप अपने मिस्टेक्स को जान लो समझ लो सेकेंड मॉक टेस्ट में उसको रेटिफाई करो अच्छे से उसके बाद एग्जामिनेशन में जाके 100 परसेंट तुम दे सकते हो अपना फुल मतलब फुल पोटेंशियल जो है वो आप एग्जामिनेशन में निकाल सकते हो कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी आपके लिए ठीक है तो पेपर एज पर आई स्टैंडर्ड चेक्ट होगा आपके सारे पेपर्स उसके बाद सजेस्टेड आंसर्स भी प्रोवाइड किया जाएगा दो टाइम लिया जाएगा फुल सिलेबस मॉक टेस्ट कोई भी सब्जेक्ट आप ले रहे हो उसका पूरा सिलेबस का मॉक टेस्ट होगा कोई टेंशन वाली बात नहीं फिर रिजल्ट डिक्लेरेशन भी होगा कि आपने कैसे परफॉर्म किया है किस प्रकार से विथ रिमार्क्स कि कैसे कहाँ पे किस जगह पे आपको इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है ठीक है ये समझ चुके आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं बहुत अच्छी तरीके से अब एक चीज़ समझो ये जो इस बार हम लोग मॉक टेस्ट ले रहे हैं ना इसका जो हम लोगों ने प्राइस रखा है वो बहुत रीजनेबल प्राइस है तो आपको क्या करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे जाके आप चेकआउट करो सारे फ़ीचर्स मैंने यहाँ पे बता रखा है आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं आपको मतलब देना तो देना ही है मॉक टेस्ट इसमें कोई मतलब आप कहीं से भी दे रहे हो दे लो सिर्फ इतना बात है हम लोग हमारा मॉक टेस्ट जो है वो शुरू होने वाला है बहुत जल्द अब कब से स्टार्ट होने वाला है सर मॉक टेस्ट मैं आपको बता दूँ मॉक टेस्ट स्टार्ट होने वाला है डेट शीट भी दिखा देता हूँ आपको फटाफट ये जो मॉक टेस्ट स्टार्ट होगा ना ये मॉक टेस्ट स्टार्ट होगा फ्रॉम सेवेंथ ऑफ मे ठीक है सेवंथ ऑफ मे से मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा ये सेवंथ ऑफ मे से स्टार्ट होगा चौदह को पहला मॉक टेस्ट खत्म हो जाएगा दूसरा मॉक टेस्ट जो होगा वो आपका देख लो दूसरा जो मॉक टेस्ट होगा वो 18 से शुरू होगा एंड 25 तो कोई भी स्टूडेंट अगर पहला मॉक टेस्ट नहीं दे रहा तो दूसरा मॉक टेस्ट तो डेफिनेटली दे ही सकता है अगर आपका रिवीजन नहीं हुआ है सोच लो ठीक है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा अभी से तो आप जाके रजिस्टर कर सकते हो ये ओल्ड सिलेबस के लिए न्यू सिलेबस के लिए ये है न्यू सिलेबस के लिए हम जो सब चैप्टर्स एंड सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं चैप्टर्स तो फुल चैप्टर रहेगा सारे चैप्टर्स रहेंगे सब्जेक्ट्स जो कवर हो रहा है वो है जे मॉड्यूल वन में जे आई कंपनी लॉ सी एम एस एल ई सी आई पी एल एंड एस बी आई एल ठीक है ये सब्जेक्ट्स जो है वो कवर होंगे कौन से कौन से सब्जेक्ट जे आई जी एल कंपनी लॉ मॉड्यूल वन मॉड्यूल टू मिला के मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको ये मॉक टेस्ट वन है जे आई जी जो कि आपके मॉड्यूल वन में है ये है मॉड्यूल वन जे आई जी, जी ये भी है मॉड्यूल वन आपका कंपनी लॉ एंड एस बी आई एल है आपका मॉड्यूल वन ये तीन पेपर मॉड्यूल वन के हैं, दो पेपर जो है ये आपके मॉड्यूल टू के लिए जाएंगे समझ में आ रहा है ये होगा मॉड्यूल टू ये होगा मॉड्यूल टू तो डेट शीट मैंने बता रखा है ये पहला मॉक टेस्ट होगा ये दूसरा मॉक टेस्ट होगा हंड्रेड परसेंट जो है आपके पेपर्स जो है वो चेक होकर प्रॉपरली जाएंगे आपके पास विद रिमार्क्स तो आपको कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है कब से स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम सेवनथ ऑफ मे ठीक है सेवन्थ ऑफ मे से स्टार्ट होने वाला है न्यू सिलेबस एंड ओल्ड सिलेबस दोनों का और इसका रजिस्ट्रेशन लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है आप आराम से जा वहां से कर वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो आज की वीडियो में इतना ही भाई मेरे थैंक यू सो सो मच कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें मैं रिप्लाई कर दूंगा थैंक यू सो सो मच एवरीवन हैप्पी लर्निंग गाइस बाय बाय एंड टेक केयर